हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी जो कल भी पहुंचे थे शाहीन बाग और ऑटो राजा, एक खास कार्यक्रम वो लेकर आए थे और लोगों से हमारी बात की थी, कराई थी, इस समय भी शाहीन बाग में मौजूद हैं ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, हम अभी तरुण चुग को सुन रहे थे, उनका कहना है कि आईएसआईएस की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप वहां पर मौजूद है, मैं चाहती हूं कि आप तस्वीरें दिखाएं, इन महिलाओं से बात करवाएं हमारी, ताकि शायद चुग साहब ये समझ सकें कि ये हिंदुस्तानी ही है, दिल्ली के ही लोग हैं और हिंदुस्तान को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तरुण चुग साहब करते हैं। शोभना, जो आपका सवाल है और जो बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाए हैं, मैं उनके एक एक सवाल का जवाब इस शाहीन बाग से पूछूंगा और इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि जो देश के लोग जानना चाहते हैं, हम जब यहां पहुंचे तो हमें सीरिया और आईएसआई जैसे कोई भी माहौल नहीं दिखा। हम ये कैसे कह दें, कैसे इस बात को कह दें कि हमें यहां मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी को घुसने। मुकेश जी जरा दिखाइए, यहां लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं सुबह से। हमारे साथ कुछ महिलाएं आईएसआई के तर्ज पर बच्चों का और महिलाओं का यहां इस्तेमाल हो रहा है। अब तो बीजेपी नेता ये भी कहने लगे हैं। देखिए, बीजेपी नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक संविधान को लेकर है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें देखिए क्या चीज़ है, हम उसी को ले लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, ये कौन से ऐसा ही से मिलता हुआ है, किससे जा रहा है ये रघुपति? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहकशा है। ये कहकशा कह रही है कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें आईएसआई नहीं है। उन्हें पता होगा, ये सही उनको है तो तहकीक कर ले, अगर नहीं उनको पता है ना, उनको ज्यादा मालूम है तो ये हमारे तो ये रघुपति राघव राजा राम वो तो जानते ही होंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक। और दूसरा हमारा परफॉर्मेंस होगा बापू के ऊपर, बापू की पूरी जिंदगी को लेकर, ठीक है। और तीसरा प्रोग्राम हमारा ह्यूमन चैन का है, ह्यूमन चैन। महिलाएं हैं आप, बच्चों को लेकर आप लोग आगे आ गई हैं और इस वजह से जो है कानून पीछे अभी अभी लाठीचार्ज नहीं हो पा रहा है। जैसे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, महिलाएं और बच्चे आगे हैं इसलिए लाठीचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग आईएसआई सीरिया बना रहे हैं क्या शाहीन बाग को? ये सवाल है, मेरा भी सवाल है और बीजेपी का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है। सर देखिए, बीजेपी का तो ये भी सवाल था कि तीन तलाक पे मेरी मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो सर अभी चुनाव है और उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए सर, इसलिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हमारी बहुत हमसे मोहब्बत करते थे, मुस्लिम बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत इज्जत करते थे, शायद उन्हें अभी वो याद करने वाले दिन हैं, वो याद करें वो दिन जो उन्होंने कहा था ज्ञानेंद्र, तीन तलाक में अपनी मुस्लिम बहनों से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार है मेरा उनके। जी शोभना। ज्ञानेंद्र, ये जो महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई हैं, इनसे ये पूछिए कि लगातार ये कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इससे बीजेपी को फायदा और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्या सोचती हैं यहाँ की महिलाएं? देखिए, सवाल है कि क्या जो आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, अब चूंकि पूरी दिल्ली की सियासत शाहीन बाग से होकर गुजर रही है, आपको लगता नहीं है कि आपको नुकसान और बीजेपी को फायदा देने वाला धरना हो गया है ये? देखिए सर, जब हम यहाँ आए थे तो कोई पॉलिटिक्स तो थी नहीं उस वक्त, और ना ही हमारे नजदीक, क्योंकि हम एक आम जनता हैं, हमें किसी पॉलिटिशियन से, किसी पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं है बिल्कुल। कहकशा जी, अभी बताइए आज की स्थिति, अभी मिल रहा है सर, अभी मिल रहा है और मिलेगा, पर सर हमारा जो मुद्दा है, वो हमारा जो मुद्दा है, हम उसी पे बात करेंगे। फिर वो तो चाहते ही हैं कि फायदा मिले और आप फायदा दे रहे हैं, तो आपका प्रदर्शन तो जिसके लिए नुकसान होना चाहिए उनको फायदा पहुंचा रहा है। सर हमारा नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह हमारा फायदा होगा, क्योंकि पांच हमारी नीयत साफ है, मेन यहाँ पर खेल सारी नीयत का है, हम एक अच्छी नीयत को लेकर बैठे, हम किसी गलत उसको नहीं लेकर बैठे जो हमें डरने की जरूरत है, हम यहाँ हमारी नीयत साफ है, हम अपने संविधान के लिए यहाँ बैठे, बस हमें इससे ज्यादा और ज्ञानेंद्र। शोभना, इधर हमारे साथ कुछ लोग हैं ये जो लंबे समय से प्रोटेस्ट में। ज्ञानेंद्र, एक सवाल मेरा ले लीजिए, जो सज्जन आपके साथ खड़े हुए हैं, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैकिंग है, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही धरना प्रदर्शन करवा रही है, यहां पर पूछिए कि कौन है इनके धरना प्रदर्शन के पीछे, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सपोर्ट है इनको, सीधा सवाल। ये जो सुबह अमरूद आ रहा था, केला आ रहा था, बिस्किट आ रहा है, नमकीन आ रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लोग भिजवा रहे हैं क्या? चाचा, आपको दिख रहा है यहाँ कोई कैंडिडेट? दिखा कांग्रेस को कोई? दिखा चेहरा? दिखा कोई?
कोई आपको आम आदमी पीछे एक दरवाजे से भिजवा रहे हैं क्या? पीछे दरवाजे भेजा है, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, आज खुद हो रहा है, लोग अपने आप दे रहे हैं। ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, ये पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, अपने आप आता है, बिरयानी आती है, लोगों का पैकेट बांटा जाता है, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं, अपने आप लोग लेकर। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, थोड़ी देर उम्र हो गई आपकी, अब बुजुर्ग आदमी है, सही सही बताइए, अब किसी को पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है, किस तरह से बताए। एक मिनट रुक जाइए, आप एक दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। शाम को रोजा रखती है, आज सुबह मैं आ गया था 7 बजे यहाँ, मुझे सब अमरूद दिखा, सेब दिखा, अब ये सब दिखा, आया कहाँ से इसका पता नहीं चल पाया। आवाम आज खुद ला रही है ये, इस प्रोटेस्ट का, एक मिनट, इस प्रोटेस्ट का कोई चेहरा नहीं है, इस प्रोटेस्ट का कोई नेता नहीं है, कोई, ये अपने आप प्रोटेस्ट, पूरे देश के नेता शाहीन बाग घुस गए हैं, दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग घुस गया है, आप कह रहे हैं नेता नहीं आ रहे हैं, यहाँ तो सब आ रहे हैं, ये इसी से होकर गुजर रहा है, ये जो रास्ता आपने बंद कर रखा, इसी रास्ते से होकर दिल्ली का चुनाव गुजर रहा है, आप समझ ही नहीं रहे चाचा। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि अमित शाह जी ये इस मतलब मुद्दे, इस शाहीन बाग को मुद्दा बनाने जा रहे हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आपको जब पता है मुद्दा बन गया तो आप आगे बढ़िए, कहिए मुद्दा नहीं बनने देंगे, उठ के खड़े, अरे रुक एक सेकंड, आप आगे जाइए और खड़े हो जाइए, कह दीजिए नहीं बनने देंगे मुद्दा, हम इस देश के नागरिक है, संविधान के रक्षा के, नहीं बनने देंगे मुद्दा, तो बैठे तो हैं, मुद्दा बनने नहीं देंगे, उनसे बैठे तो हैं, तो बन गए, उनसे पूछिए अमित शाह जी को, उसके अलावा कोई और उनके पास मुद्दा है कि नहीं है। केजरीवाल के बिजली पानी मोहल्ला क्लिनिक स्कूल अस्पताल के सामने शाहीन बाग सीरिया पाकिस्तान हो गया है, आप कहाँ पड़े हैं? खाइए ना, आपको तो कहना, आप दो दिन, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ मुझे कोई जोखिम नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं आराम से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जाके अगर बिरयानी खा सकते हैं, हम उनकी बात नहीं समझते ना सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। आपको पाकिस्तान से प्रेम नहीं? सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में ही मरेंगे। हम आपको जीने तो दे रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, कोई कह रहा है क्या? सर बात ये है कि सर कहते हैं कि ये पाकिस्तान बना दिया है, सर इस पे मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में बिरयानी खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर हिंदुस्तान की, देखिए हमारे पास ये कहते हैं जीने तो दे रहे हैं, हमारे पास आसाम की मिसाल मौजूद है, हमारे पास आसाम की मिसाल मौजूद है, देखिए सनाउल्ला, फखरुद्दीन अली, जी शोभना ज्ञानेंद्र मैं फिर आपका रुख करूंगी, और ये जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं इनको लगातार हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं, इनका सीधा सीधा कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं से भी फंडेड नहीं है, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो खुद लेकर आ रहे हैं केले सेब अमरूद या जो भी बिरयानी यहाँ पर बांटी जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। शाहीन बाग से हमारी बड़ी कवरेज भी जारी है, मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र वहां पर मौजूद है। ज्ञानेंद्र मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कल रात में भी वहां पर थे और आज सुबह से वहां पर है, इस समय भीड़ ज्यादा होती है या शाम बढ़ते बढ़ते भीड़ ज्यादा हो जाती है? देखिए शोभना, एक पूरी प्रक्रिया है, सुबह जैसी होती है तो यहां पर साफ सफाई ये खुद करने लगते हैं, और मुकेश जी जरा ये पीछे का नजारा दिखाइए, अब जो सुबह के साथ जो लोग आने का सिलसिला शुरू होता है 10 बजे, जरा पीछे चलिए भाईजान, ये देखिए ये महिलाओं की संख्या आप देखिए, अब दूर दूर तक, और दूर में जो देखेगी अब धीरे 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 भीड़ बढ़ने लगी है, और फिर 10-10:30 बजे इनको सबको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद लोग खाना खाने चले जाते हैं, तो ये जो पूरा माहौल है अब शाहीन बाग का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंडाल के नीचे नहीं बैठते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के दौरान ये सब आ जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है, और जब नहीं होता है तो फिर वो इधर उधर बगल में कहीं भी खड़े होते हैं कोने में, मुकेश जी उधर भी कैमरा पेन करके दिखाइए, तो ये स्थिति रहती है, सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, लोग सुनते हैं, और अब चूंकि यहाँ कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है शोभना, तो अब जो है लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। जी शोभना, ठीक है ज्ञानेंद्र आप नजर बना के रखिए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।